गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रितिका राठौर फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथ्स फॉर क्लास फर्स्ट। इससे जो पहला वीडियो था उसमें अपन चैप्टर सेवन, अपना चैप्टर सेवन चल रहा है, मोर अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसमें अपन ने क्या कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में, उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बुक एक्टिविटी करना सिखाया था कि बुक में कैसे क्या करना है आपको। तो अपन ने यहाँ से नंबर पिकिंग करके यहाँ पे लिख के इनको प्लस किया था, मतलब ऐड किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बोर्ड का बैलेंस चेक करने के लिए आपको नंबर्स प्लस करने थे और एक नंबर आपको खुद को लिखना था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए डाला था, ये वाला। तो मैंने इसमें क्या बताया था, 50 + 50 करोगे तो 50 + 50 करते हैं तो अब क्या आंसर आता है अपना, मैंने आपको बताया था क्या आता है, 100। तो इन दोनों को प्लस करने पे अपना आंसर आ रहा है 100। तो मैं 40 में ऐसा क्या नंबर प्लस करूं कि 100 हो जाए, तो वो नंबर होगा 60। ओके, तो यहाँ पर आप क्या राइट डाउन करोगे, 60। अब नीचे अपन क्या पढ़ेंगे, ब्रेक द नंबर एंड ऐड। इसमें क्या करना है, नंबर्स को ब्रेक, ब्रेक मतलब आप समझते होगे, तोड़ना होगा और उसको फिर ऐड करना है, समझे। अब इसको अपन ऐड करना आपको मैं सिखाती हूँ। ये क्वेश्चन में अपन सिर्फ आज बुक में ही करेंगे, पहला एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आपको क्या दिया है, 42 and 7। ओके, 42 and 7, तो ये रहा आपका 42, 42 नंबर ये रहा। अब आप इसको बोल कैसे रहे हो, 42 अलग अलग बोल रहे हो, तो इसने क्या किया, 40 को अलग लिख दिया और 2 को अलग लिख दिया, क्योंकि अपन इसको कैसे बोलते हैं, क्या नंबर है ये, 42, तो 40 अलग 2 अलग। नाउ अब क्या करना है, इसमें 40 को 2 से प्लस कर दो, फिर ये 7 भी बोला है तो प्लस 7 भी कर दिया, आंसर क्या है अपना, 49। सिंपल है, वापस समझ लेते हैं क्या था इसमें, ये नंबर आता अपने पास 42। अब इसको अपन बोल कैसे रहे हैं, 42, तो इसने 40 को अलग 2 को अलग किया, 40 में से फिर इन दोनों को क्या किया, प्लस किया। यहाँ पर ऐड किसको बोला, 7 भी बोला, तो प्लस 7 करने पे आंसर क्या आया, इन तीनों को प्लस किया। तीनों को प्लस कैसे करते हैं, 40 + 2 + 7, अब इनको सिंपल सा प्लस कर दिया, 7 + 2 क्या होगा, 9, 7, 8, 9, यहाँ पर 7 लाइंस ड्रॉ करो, यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर 2, तो काउंट करो इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 4 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 4 का 4, तो आंसर भी अपना 49 ही आया हुआ है और अपना भी आंसर क्या आया, 49, समझे। अब अपन ये ट्राई करते हैं, ठीक है। पहला क्या लिखा हुआ है, 25 + 4, क्या लिखा हुआ है, 25 + 4, 25 + 4 क्या होगा, तो इधर आंसर लिखो, 25 + 4, ऐसे लिखा इधर, 25 + 4, 5 लाइंस ड्रॉ करो इधर, 4th लाइन, अब इनको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 का 2 क्या बना, 29, इधर लिखो 29। ये था अपना सिंपल सा प्लस। अब इसको ब्रेक करके कैसे सिखाया था ऊपर, उसको इन्होंने नीचे करके दिखाया है वापस, क्या नंबर है ये, 25,
क्या नंबर ही है 25, ये आगे वाला डिजिट नंबर ले लो, इन्होंने ले लिया आगे 25। अब इसको बोल कैसे रहे 25, तो 20 को अलग, 5 को अलग, और प्लस 4 का 4। अब इसको कैसे प्लस किया इन्होंने, 20 प्लस 5 प्लस 4, इधर 5 लाइन ड्रॉ, इधर 4 लाइन ड्रॉ, इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का 2 क्योंकि नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 2 नीचे आ गया। ऐसे करने में भी आंसर क्या आ रहा है 29। एक मैंने ये तरीका बताया आपको, एक ये ब्रेक करके तरीका बताया। ओके अब ये अपन करते हैं वापस, पहले अपन क्या करेंगे सिंपल प्लस करेंगे इन दोनों का। इन दोनों का प्लस करने पे पहले लिखेंगे 13, या रफ में करना। ओके ये जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ना ये वाला, या प्लस रफ में करके दे चेक करना। या प्लस यहाँ पर 3 लाइंस ड्रॉ, यहाँ पर 6 लाइंस ड्रॉ, अब इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 1, आंसर क्या आया 19। सिंपल प्लस करने पे आंसर क्या आया अपना 19। अब ब्रेक करके आंसर भी 19 आता है या नहीं आता है ये अपन अब चेक करेंगे। पहली वाली डिजिट लेते हैं 13, 13 को लिखा यहाँ पे इन्होंने लिखा। अब 13 को लिखने का तरीका क्या है 13, तो 10 को यहाँ पे और 3 को यहाँ पे, इसको क्या कर दिया ब्रेक कर दिया। फिर प्लस 6 का 6 प्लस 6 का 6, अब इनको प्लस करके देखो 10 प्लस 3 प्लस 6, 3 लाइंस ड्रॉ 6 लाइंस ड्रॉ, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 1 का 1, आंसर क्या आया अपना 19। यही आंसर था अपना। अब नीचे वाला करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा आंसर लिख देते हैं 19, यहाँ पर भी आंसर लिख देते हैं 19। अब ये करके देखते हैं सी वाला, 54 प्लस 4। अब इसको पहले सिंपल सा प्लस करते हैं, 54 प्लस 4, 4 लाइन ड्रॉ, 4 लाइन ड्रॉ, 4 प्लस 4, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 5 की जगह 5, आंसर क्या आया अपना 58। अब कौन सा मेथड यूज होगा ब्रेक करने वाला, कौन सा मेथड यूज होगा ब्रेक करने वाला। अब ये मेथड कैसे लिखेंगे अपन, 54 कैसे बोला जा रहा है, 50 को अलग कर दिया, 4 को अलग कर दिया, और प्लस 4 जो पीछे आंसर है वो पीछे वैसे का वैसा लिख दिया प्लस 4। अब इनको प्लस करो 50 प्लस 4 प्लस 4, यहाँ पे हटा दो। फिर अब इनको प्लस करेंगे 4 लाइन इधर ड्रॉ, 4 लाइंस इधर ड्रॉ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, काउंट करो 4 प्लस 4 8, 5 के नीचे कोई डिजिट है नहीं है तो 5 लाइंस, तो 5 इधर आ जाएगा। इनको भी प्लस करने पे आंसर क्या आया अपना 58। समझे, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर प्लस करने पे जो आंसर आएगा वहां यहाँ पे भी ब्रेक करके जो प्लस करेंगे यहाँ पर भी सेम ही आंसर आना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर आंसर अलग आया यहाँ पर अलग आया मतलब आपको ब्रेक करने वाला सिस्टम समझ नहीं आया है। अब 33 प्लस 4 सिंपल सा प्लस करके देखो, 33 प्लस 4, 3 लाइंस ड्रॉ 4 लाइंस ड्रॉ, काउंट करो इनको 1 2 3 4 5 6 7, किया 3 का 3 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 3 का 3,
आंसर क्या है अपना? 37। अब नीचे ब्रेक करके लिखो इसको। ब्रेक करने लिखने पे क्या आंसर आएगा? ब्रेक करने पे भी आंसर अपना क्या आना चाहिए? 37 आना चाहिए। तो 33, तो 30 अलग लिख दिया, 3 अलग लिख दिया। ये आपको पता है कैसे बोला जा रहा है? 33 डबल में बोला जा रहा है, तो अलग लिखने पे, और फिर प्लस का 4 का 4, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 30 + 3 + 4। ये डिजिट लिखी है मैंने, 30 + 3 + 4। इधर भी 3 लाइंस, इधर भी 4 लाइंस। अब इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। जी के नीचे कोई डिजिट है? नहीं है, तो आंसर आ गया अपना 37। ओके, देखो मेरे सब जगह आंसर सेम आ रहे हैं, इधर भी आंसर सेम आ रहा है, इधर भी आंसर सेम आ रहा है ना? तो आपको भी ऐसे ही करना है कि आंसर इधर भी सेम आए और इधर भी सेम आए आपका। ये मैं रफ कर देती हूँ, अब नीचे चलते हैं। अब ये जो 62 और 59, ये वाला आपका होमवर्क है, ये आप ट्राई करोगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगी कि इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, ये आपका क्या है? होमवर्क है। पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का सिंपल क्या करोगे? प्लस करोगे, आगे जो पहले डिजिट लिख रखी है उसको ऊपर लिखना है, पीछे जो डिजिट लिख रखी है उसको नीचे लिखना है, फिर लाइन ड्रॉ करनी है जितने डिजिट है, फिर उनको काउंट करना है और लिखना है, फिर इधर क्या करना है, ये समझ में आया? इधर क्या करना है, 60 अलग कर दिया, 2 अलग कर दिया, फिर प्लस 7 का 7, फिर इनको प्लस करना है, 60 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 7 लिखो और इनको प्लस कर दो, लाइन ड्रॉ करो और इनको काउंट करके आंसर लिखना है। ओके, ये आपका क्या है? होमवर्क है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। ओके, नीचे अब क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका? स्टेटमेंट सम। ये समझ लेते हैं क्या होते हैं स्टेटमेंट सम्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या दे रखा है? देयर आर 17 कैंडल्स इन अ बॉक्स एंड 22 कैंडल्स इन अनदर बॉक्स, हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर इन ऑल। अब इधर क्या लिखा है कि इसको लैंग्वेज में लिख दिया है कि एक बॉक्स में इतनी कैंडल्स है, एक बॉक्स में इतनी कैंडल्स है। अब आपको टोटल कैंडल्स बतानी है, तो जितने नंबर लिख रखे हैं उन नंबर को ऊपर और नीचे लिखना है और उनको सिंपल सा क्या कर देना है? ऐड कर देना है। देखो मैं आपको वापस बताती हूँ, इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक बॉक्स में कितनी कैंडल्स है? 17 कैंडल्स है। फिर दूसरे जो बॉक्स है उसमें कितनी कैंडल्स है? 22 कैंडल्स है, यही बोला है। अब इनका टोटल बतानी है इनको। अब ऐसे तो काउंट करोगे नहीं, 1 2 3 4 ऐसे कैंडल काउंट नहीं करोगे, अपन को डिजिट दे दी। अब अपन क्या करेंगे, जो पहले जो डिजिट लिखी है वो उसको ऊपर लिख दिया, दूसरी जो डिजिट बोली है ये 722 उसको क्या लिख दिया? नीचे, और फिर उनका क्या कर दिया? प्लस कर दिया है। ओके, क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है। 7 लाइंस ड्रॉ करी यहाँ पे, 2 लाइंस, और इनको काउंट करके आंसर क्या आया इनका? 9। यहाँ पर 1 लाइन ड्रॉ, यहाँ पर 2 लाइन, इनका क्या करना है? प्लस करना है। काउंट करो, 1 2 3, आंसर भी इनका क्या आया? 3। तो टोटल कैंडल्स कितनी हुई इनके पास? 39 कैंडल्स। समझे? वैसे ही एग्जाम्पल 2 है आपका। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, रवि हैज, क्वेश्चन पढ़ रही हूं मैं ये वाला। ओके, ये भी आपको किसमें करना है? सिर्फ बुक में ही करना है। रवि है 16 ब्लू पेंस एंड 13 रेड पेंस, हाउ मैनी पेंस डज ही हैव इन ऑल। एक रवि नाम का लड़का है, उसके हाथ में 16 क्या है? ब्लू पेन है, और 13 क्या है? रेड पेन है।
अब उसको टोटल पेन गिनने हैं, तो टोटल पेन की काउंट करेंगे तब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले इसने क्या बोला, कितने ब्लू पेन है, 16, तो 1 6 16 लिखा। रेड पेन कितना है, 13, तो यहाँ पर 1 3 रेड पेन लिखे। अब इनको क्या करो, प्लस करो, 6 है तो 6 लाइंस ड्रॉ, 1 2 3 4 5 6, कितनी डिजिट है, 3 लाइंस ड्रॉ, 1 2 3। अब इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर आया अपना 9। इधर लाइंस कितनी है, 1, इधर डिजिट कितनी है, 1, इनको काउंट करो, 1 2, आंसर आया अपना 2। टोटल कितना हुआ, 29। उसके पास टोटल पेन कितने हुए, 29। अब इधर क्या लिखा है, देयर आर 25 बिग फिश एंड 33 स्मॉल फिश इन अ पॉन्ड, हाउ मैनी फिश आर देयर इन ऑल। अब एक ये पॉन्ड है आपको दिख रहा है, उसके अंदर बड़ी फिशेस कितनी है, बड़ी 25 है, और छोटी फिश, छोटी मछलियां कितनी है, 33 है। अब टोटल इस पूरी पॉन्ड के अंदर कितनी है, ये अपन को बताना है। तो क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे। तो पहले बिग फिश कितनी थी अपने पास, 25, और स्मॉल फिश कितनी थी, 33। अब इनको ऐड करो, 5 लाइंस, 1 2 3 4 5, 3 लाइंस, 1 2 3, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आया अपना 8। इधर कितनी डिजिट है, 2 लाइन ड्रॉ। इधर कितनी डिजिट है, 3 लाइन ड्रॉ, 1 2 3 4 5। टोटल कितनी फिश हुई इसके अंदर, बिग और स्मॉल को काउंट करेंगे 7, तो 58 फिश है। तो ये क्वेश्चन भी आप किस में करोगे, बुक में करोगे। क्या लिखा होता है इसमें, एक स्टेटमेंट लिखा होता है कि कितना है उसके पास, कितनी चीजें हैं या कितनी थिंग्स हैं और कितनी क्वांटिटी में है, फिर उनको उससे प्लस कर देना है। ओके, ये आपको बुक में ही करना है। ओके, फिर आपका 83 करो, उसके ऊपर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट जो आपकी क्लास की नेक्स्ट वीडियो जो होगा करेंगे। आज आपको मैंने क्या होमवर्क दिया, आज मैंने आपको ब्रेक करने सिखाया है कि नंबर को कैसे ब्रेक करना है और उनको कैसे प्लस करना है, और दो नीचे वाले मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, वो आप खुद करोगे। और स्टेटमेंट क्वेश्चंस कैसे होते हैं, स्टेटमेंट सम्स मतलब एडिशन कैसे होते हैं, वो सिखाया है, और वो आपको मैंने करके दिखाया है। जो पेज नंबर आपके 83 पे है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।